अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल दहली लुकिंग सैयद फराज अली 1987। तो जैसे कि आपने देखा ये थंबनेल के ऊपर कि आज हम क्या दिखाने वाले हैं, तो इंशाल्लाह आज हम आपको दिखाएंगे मदीना टू मक्का, दोनों जगहों की ज़ियारत कराएंगे। और आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो को एंड तक देखें बिना स्किप किए, इंशाल्लाह बहुत आपको लुत्फ़ आने वाला है और इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगने वाला है। तो हम आ चुके हैं गाइस अपने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पे, और हम अब दुरूद शरीफ पेश करते हैं। वसल्लल्लाहु अला नबियिल उम्मी या रब्बी सल्ली वसल्लम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरी खल्की कुल्लिहिम, अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। तो गाइस अब ये आप नज़ारा देख रहे हैं, माशाल्लाह हमारे मदीने का व्यू है, बेहतरीन अद्भुत नज़ारा, सुबहानअल्लाह। जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, सारी तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो दोनों जहान का बादशाह है, जिसने इस सरज़मीन पे हम सबको उतारा और इतनी नेमतों से नवाजा है कि अल्लाह पाक कि हम जितनी शुक्र गुज़ार रहें उतने ही कम हैं कि हम कुर्बान जाएँ उस पाक परवरदिगार के ऊपर कि अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारा रहबर बना के दुनिया में भेजा। और इस टाइम का आप व्यू देख रहे हैं बिल्कुल लाइव अपनी स्क्रीन के ऊपर, सुबहानअल्लाह, अल्लाह की तारीफ़ के नुज़ूल रहता है फ़रिश्तों का यहाँ पर, और इतनी रहमतें बरसती हैं कि जिसकी कोई हद नहीं कि ये दोनों जहान के बादशाह हैं हमारे अल्लाह पाक जो हैं, यहाँ के भी बादशाह हैं और सिदरतुल मुंतहा के भी बादशाह हैं, और उन्होंने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए चुना, हमारे नबी को बना करके भेजा। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम आज मदीने मुनव्वरा में मौजूद हैं। तो मदीने में आने के बाद बस दिल गूंज उठता है और एक आवाज़ आती है, हाजिर हैं तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम अल्लाह करम, बहती है सदा ये चश्मे नम, बहती है सदा ये चश्मे नम, अल्लाह करम अल्लाह करम। मेरी आने वाली सब नस्ले तेरे घर आए, तेरा दर देखें तेरे घर आए, तेरे दर देखें। मेरी आने वाली सब नस्ले तेरे घर आए, तेरा दर देखें, असबाब हो उनको ऐसे बहम, अल्लाह करम अल्लाह करम। वो आप देख सकते हैं यहाँ का लुत्फ़ उठाए अपनी स्क्रीन के ऊपर, बिल्कुल लाइव इस टाइम आप देख रहे हैं मदीने मुनव्वरा के, यहाँ पर मलाइकाओं की इतनी आड़ जा रहती है कि एक अलग नूरानियत यहाँ पर बरसती रहती है। बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त इस टाइम यहाँ का व्यू है, और ये समझ ले हर दिल की एक तड़प होती है, तमन्ना रहती है कि हम भी मदीने जाएँ, मक्का जाएँ, और जीते जल्ला पाखा में उन दोनों जगहों से रूबरू कराएँ, उन जगहों को दिखाएँ, उन जगह की ज़ियारतें कराएँ जहाँ पर हमें कल क़यामत के दिन मैदान हश्र में जमा होना है और अपने आका दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पेश खिदमत होना है। तो बहुत सआदत और नसीब की बात है कि हम यहाँ पर आते हैं, और आने के बाद सारे अरकान पूरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से करते हैं हम। तो माशाल्लाह
अल्लाह पाक से यही दुआ है कि हर मोमिन को मदीने की ज़्यारत ज़रूर कराए, और इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह पाक से जो भी दुआ मांगा जाए वो दुआ बिल्कुल कबूल होती है, कोई ज़ाया नहीं जाती। तो गाइज़ यहाँ पर आने के बाद वो नाते शरीफ याद आ जाती है, खुला है सभी के लिए बाब रहमत, यहाँ कोई रुतबे में अदना ना ली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, अतारे लगाए खड़े हैं सवाली। उस पार जन्नतुल बकिया है, मैं पहले पहल जब मदीने गया था तो ती दिल की हालत तड़प जाने वाली, ये दरबार सच मोच मेरे सामने था, अभी तक तसव्वुर था जिसका ख्याली। वाकई जो दरबार हमारे जहनों में चलता है कि तमन्ना रहती है, दिलों की तड़प रहती है कि हम यहाँ पर आएँ, और जब अचानक से यहाँ पर आ जाते हैं तो बस कि ये अल्लाह की करीमी है कि अल्लाह पाक हमारे दिलों पे काबू रख देते हैं, वरना तो दिल फट जाए। और ये समझ लें इतनी नूरानियत वाली जगह है कि, और रोज़ा रसूल की तो फिर बात ही अलग है। और ये समझ लें इस टाइम यहाँ का जो व्यू है यहाँ पर, एक ये आप जैसे कि हमारी चीन बाजी बता रही हैं कि किस तरह से यहाँ पर खम वगैरह हैं और यहाँ पर किस तरह से क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, आप सुने पीछे रखा हुआ होगा। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। हमको ना, हमको इससे बहुत हमारा पेट दर्द होता है, ये क्यों हमको पिट लगा के बैठा है, हाँ ये क्यों पिट लगा के बैठा है वहाँ को, क्यों ये हमसे हजम नहीं होता। सब देखो हम लोग का हुजूर का तरफ किबला का तरफ पे सब चेहरा लगाया, ये पीठ लगा के क्यों बैठा, हम वो जाके पूछने मांगा उसको। ऐसा होता क्या हुजूर को पीठ लगा के बैठा है, नहीं बैठना चाहिए ना, अभी नहीं कह सकते ना किसी को क्यों ऐसा बैठा, ये यहाँ का इंसाफ है, ऊँचा तो मैं जन तो ऐसा नहीं कर सकता था ना, कम से कम वहाँ में मुझे लगा के दूर निकला। ये ना खाला को पसंद नहीं, खाला पसंद नहीं, बस अल्लाह के पास में दुआ कर उसका। हम बर्मा से आए, ये इंडिया से आए, हम लोग दोनों जेठानी देवरानी सगा, दो भाई का दोनों भाई तो चला गया। नाज़रीन हज़रात ये समझ लें कि आशिक रसूल की मोहब्बत की एक इंतहा नहीं होती, तो ये समझ लें कि हमारी दो जब बाजियां बात कर रही हैं तो यही बात चल रही है कि लोग यहाँ पर पीठ लगा करके बैठे हैं, रोज़े रसूल पे आने के बाद भी अब भी पीठ करे हुए हैं, ये क्या माजरा है भाई। यहाँ तो सामने देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अफजल है कि जिनको हम ख्वाबों में देखते थे, जहन में सोचते थे, और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर भी आने के बाद हम पीठ कर रहे हैं, ये हमारी कम अकली है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बस ये कि हम ज़्यारत करते रहें, और ये पाक खुदा जितनी ज़्यारत करी जाए अपनी काम में, ये वो लम्हा होता है कि जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे सामने मौजूद हों तो वहाँ की क्या कैफियत होती है, क्योंकि अनवर दो जहाँ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक के अंदर बिल्कुल सलामत हैं, और यही हमारा ईमान है। सिर्फ दुनिया से पर्दा पड़ा
फरमाया है उन्होंने लोगों से, लेकिन अपने कब्र मुबारक के अंदर बिल्कुल महफूज हैं। तो जब वो हमें देख रहे हैं इतने करीब से, तो हमारी क्या ऐसी बेरुखी कि हम पीट करके बैठे अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। तो एक ये मोहब्बत है कि जज्बा ही रहता है कि देखें माशाल्लाह कितने जज्बे का अपना इजहार करती हैं हमारी खवातीन। और एक ये पोर्शन ऐसा होता है कि यहाँ पर चारों तरफ से बिल्कुल बंद किया हुआ है, सिर्फ यहाँ पर खवातीन हैं। और अब हम आ चुके हैं जहाँ पर कबूतरों को बाजरा डाला जाता है, और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इस टाइम अपने यहाँ व्यू देख रहे हैं। यहाँ के जो पिजन से कबूतर हैं, और माशाल्लाह इतने ये निडर होते हैं कि बिल्कुल इनके करीब जाके भी इंसान जाए तो भागते नहीं हैं। और क्यों ना हो निडर, क्योंकि ये ऐसी हस्ती के शहर के अंदर मौजूद हैं जहाँ पर कोई डर नहीं, कोई गम नहीं, कोई फिक्र नहीं। बीमारी को भी ये समझ लें जो यहाँ पर रहता है, से अपनी एक सोच बना के आ जाए कि अल्लाह के करने से ही होता है सब कुछ, और बेशक अल्लाह ही कर करने से होता है। जो बीमारी होती है, दुख तकलीफ होती है, वो भी अल्लाह की नेमत होती है। वो एक अल्लाह पाक अपने बंदों या नेक बंदों का इम्तिहान लेता है और उन पर परेशानी डालता है, तो वो भी एक नेमत है। और सच्चे और अच्छे अखलाक के साथ में यहाँ पर आएँ, और आने के बाद ये सोचें कि हमारी बीमारी दूर हो जाए, अल्लाह के हुक्म से ये बीमारी भी सब दूर हो जाती है, चाहे कितनी बड़ी बीमारियाँ हों। इस सब सरज़मीन के ऊपर अल्लाह पाक ने इतनी नेमतें, इतनी बरकतें, और सबसे मेन जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी हैं दोनों जहान के, ये समझ लें कि जिनके लिए बनाए गए हैं दोनों जहान, वो यहाँ मौजूद हैं। तो फिर इस सरज़मीन की तो बात ही क्या है, सुभान अल्लाह। ये समझ लें इस टाइम में जो कबूतरों की परों की आवाज़ ही हमारी खुशकिस्मती और सबकी खुशमती कि हमारी इस वीडियो के ज़रिए आप सुन रहे हैं। तो अब हम आज पहुँचे हैं मक्का खाने काबा। तो खाने काबा का इस टाइम व्यू देख सकते हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह की तारीफ कि लब्बैक या अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हमदा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक के वक्त के हम हाजिर हैं, अल्लाह पाक हम हाजिर हैं। बेशक अल्लाह पाक अपने नेक बंदों को अपने घर बुलाता है और यहाँ की ज़ियारत कराता है। और ये लाइव इस टाइम आप देख रहे हैं डेली लुकिंग फ़राज़ अली 1987 की चैनल के माध्यम से, खाने काबा का एक खूबसूरत दिलकश और दिल को छू जाने वाला नज़ारा इतने करीब से आपको दिखाया जा रहा है। और सुभान अल्लाह, और यहाँ के इन लोगों की ये समझ लें खुशकिस्मती जो इतने करीब जा कर के इसके अंदर अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। ये बहुत खुश नसीब लोग हैं जो दूर दराज से मुल्कों से आते हैं और इनके यहाँ पर इनको जॉब मिलती है। तो इस टाइम जब यहाँ पर कुछ काम चलता है तो बिल्कुल बाउंड्री बना दी जाती है कि लोग इससे दूर रहते हैं और अंदर काम मुसलसल चलता रहता है। और अल्लाह पाक हम सबको सलामत रखे। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबसे यही कहूँगा कि दुआएं ज़रूर करा करें सबके लिए। ज़रा एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारी शबाना बाजी हैं, अल्लाह पाक उनको हज करने की तौफीक नसीब फरमाए। उनकी बहुत ख्वाहिश है अपनी बेटी के हज बदल की, उनकी साहबजादी का इंतकाल हो चुका है, अल्लाह पाक उनकी साहबजादी की मफ़रत अदा फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। और हमारी बाजी को जल्द से जल्द हज करने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सब दुआओं में याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन दिया गया है और ये समझ लीजिए सारा गोल्ड की प्लेटिंग हुई है इसके अंदर। और माशाल्लाह कितना खूबसूरत लगा रहे हैं आप इस टाइम देख रहे हैं हमारे खाने काबा की मस्जिद के अंदर का व्यू। मस्जिद में नमाज़ पढ़ी है हमने, बाकी ने हमने आबे गंगम का पानी लगा रही है अपने मुंह से, मेरे मुंह पे भी छींटे मार रही है आबे गंगम की। ये देखो ये मस्जिद कितनी प्यारी है, ये देखो
मेरे मौला की मस्जिद है। देखो ये वाइट है बिल्कुल, वो मदीने की थी, ये मक्के की मस्जिद है। देखो ये मक्के की मस्जिद है, ये सारी मक्के की मस्जिद है। हैं शरीफ, हाँ देर के अंदर आप नमाज का टाइम हो चुका है और अजान को लुत्फ उठाने जा रहे हैं, तो सुनिए अजान। मैं इसी के साथ में विदा लेता हूं और दुआ करता हूं कि जिसने इस वीडियो को देखा है, अल्लाह पाक उनको हज करने की सआदत नसीब फरमाए और हर साल उम्रे के लिए बुलाए। आमीन सुम्मा आमीन। और इस टाइम स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हमारी शबाना बाजी, इंशाल्लाह दुआ करिएगा हमारी बाजी को भी, अल्लाह पाक जल्द से जल्द अपनी बेटी के हज बदल के लिए हज के लिए बुलाए। आमीन।